हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। दो राज्यों में 3 आर्मी पब्लिक स्कूल से शिक्षक भर्ती का नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। रेगुलर बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी 45,000 आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोगों को यहाँ दी जाएगी। एग्जाम नहीं होगा, मात्र इंटरव्यू रहेगा, और जिसकी डेट भी पहले से ही डिसाइड कर दी गई है तीनों स्कूल की। सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट भी दिखाऊंगी और आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी इंटरव्यू की डेट जो है कब की डिसाइड हुई है। तो तीनों ही स्कूलों की जो डेट है आप लोगों को एक ही नोटिफिकेशन में सारी जानकारी मिल जाएगी। 30 जनवरी 2024 को एक आर्मी पब्लिक स्कूल की इंटरव्यू की डेट है, जिसमें सब्जेक्ट यहाँ पर देख लें, PGT में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड IP। TGT के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है। दूसरा आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि आपको अभी दिखाऊंगी कि ये स्कूल कहाँ पर है, 31 जनवरी 2024 को इसका इंटरव्यू रहेगा। PGT में इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। TGT में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की है। उसके बाद जो है तीसरे आर्मी पब्लिक स्कूल में 1 फरवरी को रहेगा इंटरव्यू। PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए, PRT में, PRT ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी प्राइमरी लेवल पर है। म्यूजिक की भी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो इंटरव्यू की डेट जो है वो आप देख लें, सब्जेक्ट आप देख लें। अब जो है हम देख लेते हैं ये तीनों ही स्कूल कहाँ पर हैं, बाकी सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। ये जो पूरा विज्ञापन है तीनों ही स्कूल का मेन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, और ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यूज़पेपर से नहीं लिया है, आपको ये दिखाई देगा। तो न्यूज़पेपर में जारी तो हुआ था, बट अभी ये हमें देखने को मिल रहा है मेन वेबसाइट से ही। आर्मी पब्लिक स्कूल धनपुर कैंट से वैकेंसी है। दूसरा आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट से वैकेंसी है। आर्मी पब्लिक स्कूल गया से वैकेंसी है। तो ये दोनों स्कूल कहाँ पर हैं, धनपुर कैंट और गया, ये बिहार राज्य में है, और रामगढ़ कैंट में जो वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल की, ये झारखंड में है। ठीक है, तो ये दो राज्यों की वैकेंसी है, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को मिलने वाली है। बिल्कुल रेगुलर बेस पर ये वैकेंसी जारी की गई है। लास्ट डेट जो है क्या रहेगी एप्लीकेशन सबमिट कराने की, 22 जनवरी 2024। अभी जो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट पता लग गई, इंटरव्यू की डेट आपको पता लग गई, कहाँ की वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है, कौन से सब्जेक्ट की, ये भी आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिल गई। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तीनों ही स्कूल के लिए। PGT 11th 12th को पढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पास जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, BEd या MEd होना चाहिए। PGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश, PGT हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, उसके साथ में अगर संस्कृत है तो उसके साथ में हिंदी जो एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो। PGT इकोनॉमिक्स के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर फाइन आर्ट, फिजिक्स के लिए जो ऑप्शन है यहाँ पर, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री है। PGT बायोलॉजी के लिए अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक आपने जो है ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हों, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी जो है ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। PGT बायोटेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी है जिसमें BEd बिल्कुल चाहिए। PGT अकाउंटेंसी की है, और ये मैंने आपको दिखा दिया। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो है आपका PG होना चाहिए, BEd होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए 55% मार्क्स। कंप्यूटर साइंस के लिए, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आपका कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा जो है मांगा जाता है, बाकी इसके लिए BEd नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, BEd इज नॉट मैंडेटरी फॉर PGT कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो KVS के जो रूल है वही यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, इसी तरीके से PGT फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए। अब TGT के लिए जो है क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं 6th to 10th क्लासेस को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, साथ में जो है यहाँ पर BEd भी मांगा गया है, और बाकी जो है आप सभी जानते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हों। TGT SST के लिए जो है आप देख लें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, दो सब्जेक्ट आपके यहाँ पर होने चाहिए। एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है,
मैथमेटिक्स के लिए भी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा बैचलर डिग्री में, आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें से जो दो पढ़े होने चाहिए, ठीक है। साइंस के लिए भी जो है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसमें से दो पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। बाकी कंप्यूटर साइंस के लिए है, टीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है, सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया बीएड जो है वो जरूरी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए जो है ग्रेजुएशन के साथ में जो है आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। पीआरटी के लिए यहाँ कहा है 1 to 5 के टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में आपके पास जो है बीलेड या 2 साल का डीलेड होना चाहिए। अगर बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी वही है कि 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स होता है। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास बीएड है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है वो आपको करना होगा। सीटेट जो है यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी रहेगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी कि जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है तीनों ही स्कूल में बिल्कुल रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट वैकेंसी है। बिल्कुल आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ये वैकेंसी है, बिल्कुल रेगुलर वैकेंसी है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आपको पता है हर साल AWS जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कराता है OST। अभी हाल ही में 25-26 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था जिसके बारे में सूचना मैंने आप लोगों को दी थी कि आर्मी स्कूल में अगर जाना है तो उसके लिए आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना होगा। आपके पास एक स्कोर कार्ड होगा जिससे आप लोग बहुत इजी तरीके से वहाँ पर इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। अब जिनके पास नहीं है वो भी जो है बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनके पास वैलिड CSB स्कोर कार्ड है 28 फरवरी 2022 तक का, तो परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है, बस स्कोर कार्ड होना चाहिए। 21 नवंबर 2022 तक जो आपके पास अगर स्कोर कार्ड आया है तो 70% जो आपके होने चाहिए मार्क्स। जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया नवंबर में 25-26 नवंबर को, तो मिनिमम 70% मार्क्स जो आपके स्कोर कार्ड में होने चाहिए, ठीक है। तो केवल इंटरव्यू देना है और उसके बाद जो है बिल्कुल रेगुलर पोस्ट पर आपका सिलेक्शन रहेगा। अभी जिनके पास जो है नहीं है, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, वो भी इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि 2 सालों के अंदर जो है आप लोगों को ये स्कोर कार्ड जो है वो पाना होगा, उसके बाद ही जो है आप लोग रेगुलर यहाँ पर रह सकते हैं, बस यही कंडीशन रहेगी। तो ये जो है ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी जिनके पास स्कोर कार्ड नहीं है। बिल्कुल 2 सालों तक आप यहाँ पर काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर काम करके समझ में भी आ जाएगी। ये भी पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम जो है जो भी देकर आए हैं उनसे आप लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग रेगुलर पोस्ट पर यहाँ पर आ सकते हैं। एज लिमिट जो है यहाँ पर क्या कही गई है, तो यहाँ पर जो है जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई भी अनुभव नहीं है, 40 साल जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या कही गई है, फिर हम देखेंगे कैसे जो है यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट है तीनों ही स्कूल के लिए यही रहेगा, बस एड्रेस आप लोगों को स्कूल का ही लिखना होगा। अब बारी आती है कैसे जो है अप्लाई करना है। सबसे पहली बात, ये जो तीनों स्कूल है इसमें से केवल एक ही स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक कैंडिडेट एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे ही जो है इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को APS धनपुर इसकी मेन वेबसाइट पर ही मिलेगा, तीनों स्कूलों के लिए एक ही जगह पर मिलेगा, मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगी। और जब भी आप भेजते हैं तो जिस स्कूल के लिए भेज रहे हैं वही एड्रेस वही कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट झारखंड इसके लिए भेज रहे हैं तो यही एड्रेस लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है उसमें लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आप लोगों को मिल जाएगा स्कूल की मेन वेबसाइट पर। ये रही इसकी मेन वेबसाइट का लिंक जहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में नोटिफिकेशन मिलेगा। कम से कम 2 या 3 बार मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताती हूँ ताकि आप लोग जो हैं कन्फ्यूज़ ना हो। साथ में जो है 100 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे, DD बनवाएंगे, तो वो उसी स्कूल के नाम का बनवाइएगा जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं।
आप लोगों को ईमेल के माध्यम से बिल्कुल नहीं भेजना है, हार्ड कॉपी भेजनी है। अगर नज़दीक रहते हैं तो बाय हैंड भेज देंगे एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लगा के। ओरिजिनल कहीं पर भी नहीं भेजना है, फ़ोटोकॉपी ही लगानी है और साथ में फ़ोटो, ठीक है। या फिर जो है बाय पोस्ट भेजेंगे, स्पीड पोस्ट भेजना है आप लोगों को, रजिस्टर पोस्ट करनी है, सिंपल पोस्ट नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के जो है बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है APS धनपुर, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को मिलने वाला है एप्लीकेशन फॉर्मेट और साथ में नोटिफिकेशन। तो ये जो है मेन वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आपको दिखेगा तीनों ही स्कूल के लिए एडवर्टीजमेंट फॉर इंटरव्यू यहीं पर मिलेगा। आप लोग सारी चीज़ें जो है चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट एक ही है, बस एड्रेस आप लोगों को और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अलग अलग रहेगा, जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, दोबारा से जो है विज्ञापन को आप पढ़िएगा, फिर जो है आप अप्लाई करें। काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोगों को यहाँ दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय से जो है अच्छी सैलरी जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में दी जाती है, बिल्कुल परमानेंट और रेगुलर बेस पर जो है सिलेक्शन रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।